गुड इवनिंग। कुछ अरसा हो गया हमने गालिब के कुछ अशआर पेश किए थे और ये भी कहा था कि और सुनवाएंगे, क्योंकि गालिब का तो जितना मर्जी दे लो बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया रहता है। और आज जो मैं सोच रहा हूँ, कुछ अशआर इतने अच्छे हैं, इतने पाए के हैं कि उसके तो आपको नोट भी कर लेने चाहिए, और बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही उम्दा ख्याल है, बहुत बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। जैसे अब देखिए क्या फरमाते हैं, तात में ता रहे ना मैयो अंग भी की लाग, दोज़ख में डाल दो कोई लेकर बेश्त को। एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं, क्योंकि मुश्किल लिए हैं अशआर मैंने, कि तात होती है बंदगी। कहते हैं कि बंदगी में जो लाग ना रहे, लाग का मतलब लालच ना रहे, किसका, मैं का और अंग भी का। मैं शराब होती है, अंग भी शहद होती है। तो ये रेफरेंस ये है कि जब भी ये लालच दिया जाता है कि तात करो, बंदगी करो, जब तुम बहिश्त में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे मैं मिलेगी, अंग भी मिलेगी। खैर और भी कुछ कहते हैं, लेकिन ये दो तो वो कहते ही हैं ना, दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। कभी बंदगी करनी है तो वैसे करो, इस लालच से ना करो कि शराब मिलेगी और शहद मिलेगी, वैसे तो हूरें भी कहते हैं। तो इसलिए फिर सुनिए, तात में तारे ना मैं अंग भी की लाग, दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। अब दूसरा शेर सुनिए, वो अपनी खू न छोड़ेंगे हम अपनी वजह क्यों बदलें, सुबक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सरगरा क्यों हो। ये मेरा ख्याल है पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना अच्छा है कि आप समझ भी लीजिए, सुन भी लीजिए। वो कहते हैं कि वो तो अपनी खू नहीं छोड़ेंगे, खू होती है गंदी आदत बोलते हैं, और वजह होती है अच्छी आदत है, वजेदारी जिसको बोलते हैं, एटिकेट अच्छे हैं, कि वो तो अपनी आदत नहीं छोड़ सकते, हम अपनी वजह नहीं बदलेंगे, और इसलिए हम ये नहीं पूछेंगे कि जनाब आप हमसे नाराज़ क्यों हो। सुबक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सरगरा क्यों हो। सुबक हल्का होता है और सरगरा भारी होता है, इस लिहाज से भी ये बड़ा अच्छे अल्फाज की चॉइस बड़ी अच्छी है। सुबक मतलब हल्का बन के, हम हल्के बन हल्के पड़ जाएंगे ना अगर हम पूछेंगे कि हमसे नाराज़ क्यों हो। सरगना भारी होता है एक्चुअली, और नाराज भी होता है, इसका दोनों मीनिंग है। चलिए अब देखिए तीसरा शेर, ये भी उतना ही बढ़िया है। है आदमी बजाए खुद एक मैशरे ख्याल, हाँ मन जो मन समझते हैं चिलवत ही क्यों ना हो। जो आदमी है जब भी अगर अकेला भी बैठा होता है तो उसके दिमाग में ख्यालात की खलबली मची होती है, कुछ ना कुछ सोचता होता है, वो बिजी होता है, नज़र यही आता है कि खाली बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है। तो इसलिए कि जो आदमी है वो जो है वो मैचर होता है रोला गोला के रोला पड़ा हुआ है,
तो इसलिए हम यही समझते हैं अंजुमन होते हैं जब सोसाइटी और खिलवत होती है अकेलापन। कहते हैं अगर वो अकेला भी बैठा है तो हम उसको हम महफिल में बैठा समझते हैं। अब और कहाँ, ये देखिए, ये भी देखिए शेर, रो में है रक्षे उमर कहाँ देखिए थमे, ना हाथ भाग पर है ना पाए रकाब में। रो में रो का मतलब है बड़ी तेजी में है, रक्ष होता है घोड़ा, उमर कि जो उमर का घोड़ा है वो बड़ी तेजी में है, पता नहीं कहाँ रुकेगा, क्योंकि ना बाघ जो है वो हाथ में है और जो पाँव है वो रकाब में नहीं। घोड़े पर जब चढ़ते हैं तो हाथ में रकाब होती है और पाँव में रकाब होती है और हाथ में बाघ होती है, तो वो तो दोनों नहीं है, तो कहाँ था मैं। यहाँ आपको मैं बात बताऊँ, जो लोग खेलते हैं जो ये जुआ, ये कहता हूँ मैं, ये जो स्टॉक मार्केट है, तो उसमें यही हाल होता है, हाथ में कुछ नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता, बड़े लोग वहाँ से हार के निकलते हैं। अब नेक्स्ट शेर देखिए, है क्या जो कस के बांधिए मेरी बला डरे, क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं। यानी अगर जब कोई डराना चाहे तो वो कहता है वो अपनी कमर कस के बांधता है, कमर कस के तो फिर मुकाबला करता है, तो ये कहता है बांध लो, क्या तुम्हारी कमर है कितनी। यानी कि वैसे ये ट्रिब्यूट पे कर रहा है अपने मालिक को कि मैं मुझे क्या डरा रहे हो। यानी ये सुनिए, है क्या जो कस के बांधिए मेरी बला डरे, मैं कौन डरूंगा, क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं। यानी कि तुम्हारी कमर है ही बड़ी छोटी सी, ये ट्रिब्यूट पे कर रहा है एक्चुअली। चलिए अब और क्या पढ़े, ये पढ़ देता हूँ मैं, ये तो सिंपल सा शेर है, शायद आपने सुना तो होगा, नहीं सुन लीजिए, सादा सा है, वो आए घर हमारे ये खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं, कि हमारी इतनी खुशबख्ती है कि हमारे घर तशरीफ ले आए। इसके साथ में इसका शेर है, वो भी ना साथ में पढ़ देता हूँ, नज़र लगे ना कहीं उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्म जिगर को देखते हैं। कि जो मेरा जख्म जिगर है वो बगैरा है, तो उसको देख के ये कहता है कहीं उसे नजर लग जाए उसके दस्तो बाजू होता है हाथ पाँव को, भाई इतना गहरा जख्म दिया उन्हें कहते नकल लग ही नज़र ही ना लग जाए। लीजिए ये तो हो गए कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी प्यारी सी छोटे छोटे शेर है, इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेंगे, तो वो आप सुन लीजिए। हम भी दुश्मन तो नहीं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही, अपनी हस्ती ही से जो हो जो कुछ हो, आ गई घर नहीं गफलत सी सही। कहने के अपने खुद से ही सीखो जो सीखना है, अगर नॉलेज नहीं तो गफलत ही सही। हर चंद के
उमर हर चंद के है भर के खराम, दिल के खून करने की फुर्सत ही सही। मतलब भर के खराम होती भी तेज़ है उम्र जो, लेकिन चलिए दिल का खून हो जाएगा फिर क्या हुआ। हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। चलिए आप बेनियाजी करेंगे तो हम मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। हम कोई तरके वफा करते हैं, ना सही इश्क मुसीबत ही से। यानी कि हम वफा नहीं छोड़ेंगे, हम वफा नहीं छोड़ेंगे, अगर इश्क नहीं चलिए मुसीबत ही से फिर क्या हुआ। अगर इश्क मुसीबत है तो मुसीबत ही से। तो उम्मीद है कि ये अशआर आपको पसंद आए होंगे। अभी ये नहीं है कि कोई गालिब के हमने से इसी डायरी में अभी और भी हैं, फिर कभी ये कुछ देर के बाद ज़्यादा आया तो हमने पढ़ दिए हैं। ये फिर देखिए, फिर कभी याद आएगा तुम्हें, ये मैंने रख लेता हूँ कागज़ और डायरी को। आप थोड़ा सा संगीत तो सुन ही रहे थे, थोड़ा सा और सुनना चाहे सुन लीजिए, नहीं सुनना चाहे तो भी कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरे हाथ हिलने से संगीत बदल गया है, ये नहीं है कि ये कोई बुरा संगीत लगा है, ये भी बड़ा अच्छा संगीत है, पीलू है ये। और ये आगे इसका हमने आपको नहीं सुनवाया हुआ। बुद्ध दित्ता मुखर्जी हैं, पीलू बजाने लगे हैं, थोड़ा सा सुन भी लीजिए तो क्या हरेगा। ये सितार बजा रहे हैं, थोड़ा तेज किया है। थोड़ा और तेज किया है।
और तेज कर दिए। याद आया हमारे एक नए मेंबर बने हैं अमित के वाई स्मॉल लेटर्स में, तो उनका थैंक्स करना था। वेलकम अमित के वाई, कल भूल गया था, आज भी अभी याद आया। Okay, thanks for listening.